हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइज, आज के वीडियो में हम स्प्लिट्स फिला 14 के ऑल आइडियल मैचेस की बात करने वाले कि हमें कौन कौन से आइडियल मैच देखने को मिलने वाले हैं, और ये वाइल्ड कार्ड एंट्री के पहले के कंटेस्टेंट की बात करने वाला हूँ, उनके बाद के कंटेस्टेंट की बात नहीं करने वाला हूँ। तो अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो बात कर लेते अपने पहले आइडियल मैच की, जो कि होने वाले हामिद और सौंदर्स का आइडियल मैच। और इनका भाई कहना एकदम ऑब्वियस ही था, शो स्टार्ट होने से पहले इतना अंदाजा तो लग ही गया था कि ये दोनों आपस में कनेक्शन बनाएंगे और एक आइडियल मैच भी बनेंगे। और ये हर बार का है कि एक रोडीज का कंटेस्टेंट जरूर आइडियल मैच बनाता है, और सबसे पहले आइडियल मैच बनाता है। फिर उसके बाद बात की जाए दूसरे आइडियल मैच की, तो वो होने वाले है कशिश का। तो बात कर लेते सेकंड आइडियल मैच की, तो वो होने वाले हैं कशिश और आकाश लीना का आइडियल मैच। और यह आइडियल मैच भी हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कशिश का कनेक्शन उर्फी के साथ अब खत्म हो चुका है, और अब सीधा वो आकाश लीना के साथ ट्राई करेगा कनेक्शन बनाने का, और उन दोनों का कनेक्शन भी अच्छा खासा बिल्ड होगा और वो एक आइडियल मैच भी बनेंगे। बात की जाए थर्ड आइडियल मैच की, तो वो होने वाले है जस्टिन और साक्षी का आइडियल मैच। और ये दोनों भी स्टार्टिंग से एक साथ गेम खेल रहे हैं, और शायद फिनाले तक भी साथ में ही खेले, मतलब कि दोनों आइडियल मैच बनेंगे। और इनका कनेक्शन भी स्टार्टिंग से ही हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा, और इनको जितना भी टास्क परफॉर्म करने का मौका मिला है उतना ही बढ़िया परफॉर्म करते, तो उस हिसाब से ये भी एक बढ़िया आइडियल मैच बनने वाले हैं। फोर्थ आइडियल मैच की बात की जाए तो ये थोड़ा अजीब सा है, मतलब कि मुझे लगा नहीं था कि आइडियल मैच बनेंगे, बट हाँ ये भी एक आइडियल मैच हमें देखने को मिलेंगे। और वो होने वाले है पेमा और आमिर का आइडियल मैच। और मुझे लगा नहीं था भाई, कहीं से भी नहीं लगा था कि ये दोनों एक आइडियल मैच बनेंगे, बट देखते किस तरीके से कनेक्शन बिल्ड होगा इन दोनों के बीच में। मुझे सच में बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये दोनों आइडियल मैच होंगे, बट हाँ ये दोनों भी एक आइडियल मैच है, और अभी फिलहाल इनके अलावा शायद ही कोई आइडियल मैच बनेंगे। बहुत जल्दी मतलब कि एपिसोड 4 या फिर 5 के बाद हमें वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी देखने को मिलने वाले, तो भाई गेम एकदम चेंज ही हो जाएगा, और न्यू कनेक्शन और न्यू आइडियल मैच हमें उसके बाद और पता लगेंगे कि कौन कौन बनने वाला है। जैसे कि तारा आने वाला है, शिवम शर्मा आने वाले, तो भाई इनका भी तो आइडल मैच होगा ही कोई ना कोई, तो वो फ्यूचर में हमें पता लग जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन किसका आइडल मैच है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।